बात से मस नहीं हुए हैं, क्योंकि लालू यादव ने कह दिया है भैया कि हर जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना स्थित ईडी कार्यालय से निकल गए हैं। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से ईडी की विशेष टीम ने पटना के गांधी मैदान इलाके में मौजूद ईडी के जोनल कार्यालय में 10 घंटे तक पूछताछ की। सोमवार सुबह करीब 11:15 बजे लालू प्रसाद अपनी बड़ी बेटी सांसद मीसा भारती के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे। इसके बाद उन्हें कार्यालय के दूसरे तल पर ले जाया गया और करीब 11 बजे से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पूछताछ की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय से करीब 1 दर्जन अधिकारियों की विशेष टीम पटना आई हुई थी, जिसमें केस के अनुसंधान अधिकारी समेत अन्य शामिल थे। पूछताछ की पूरी प्रक्रिया के बारे में अधिकृत तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेल के तत्कालीन मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल 2004 से 2009 के बीच हुए जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से जुड़े 50 से अधिक सवाल पूछे गए। इतनी लंबी पूछताछ के दौरान लालू प्रसाद को चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता देकर खातिरदारी भी की गई। डॉक्टर की तरफ से लिखी हुई सभी दवाइयां भी उन्हें निर्धारित समय पर खाने की बीच बीच में अनुमति दी गई। इन दवाइयों को खिलाने के लिए कुछ अंतराल पर बेटी मीसा भारती को अकेले कार्यालय के अंदर आने की अनुमति दी जाती थी। इसके बाद वो फिर वापस बाहर लौट आती। लालू यादव से पूछा गया कि कितने लोगों से जमीन लेकर रेलवे में किन पदों पर कहां कहां नौकरी दी गई है। इन जमीनों को पहले बेनामी कंपनियों के नाम पर लिया गया, जिसके निदेशक उनकी पत्नी, बेटियां, बेटा समेत उनके अन्य करीबी थे। कई जमीनें उनके परिजनों और करीबियों के नाम पर भी लिखाई गई थी। इसकी सच्चाई क्या है? कुछ दिनों पहले गिरफ्तार हुए सीए अमित कातियाल को लेकर भी कई सवाल पूछे गए। ईडी की टीम हाल ही में उनके खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर 4,751 पन्नों की चार्जशीट के अलावा हृदयानंद चौधरी के स्वीकृति बयान को भी साथ लेकर आई थी। इसे दिखाते हुए भी लालू प्रसाद यादव से कई सवाल पूछे गए।